बात प्रमाणित करता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे भाई कुलदीप बिश्नोई का सपोर्टर कोई बर्फ की डली नहीं है जो धूप में पिघल जाए। शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सर ऊंचा करके कौम पे कुलदीप बिश्नोई जैसे सरदार चला करते हैं। ठोको ठोको ताली ठोको गुरु, ये आपका स्नेह है, ये आपका प्रेम है। और सच पूछो, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। मेरे भगवान और गुरु भगवान, और आपकी अदालत में आया हूं, सत्य के लिए आया हूं, और बीजेपी के खिलाफ इसलिए बोलता हूं कि आने वाली पीढ़ियां ये न कहें कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो सिर्फ तमाशा देख रहा था। इनको ऐसा ठोकूंगा, प्रधानमंत्री के पोकड़े खोल के जाऊंगा और चौकीदार निपटा के जाऊंगा, निपटा दूंगा पूरी तरह से। अरे रुक जाओ, अभी मैं धुक्का मार रहा हूं, तुम छक्के ही मार रहे हो। तो वैसे भी मैं जब जवान था, अभी भी जवान हूं गुरु, मैं छक्का मारता, बॉल बाउंड्री था। आप सब लोग ज्यादा तगड़े हो, ऐसा छक्का मारोगे मोदी हरियाणा पार, खट्टा है खट्टा, थोड़ा सा खट्टा दूध में डाल दो ना सारा फट जाता है। ठोको ताली। और गुरु मैं हो गया शुरू, जिस इंसान के लिए यहां आया उसका किरदार है, उसका किरदार है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का विश्वास। ये इंसान मुझे सच पूछो खास लगता है, जनता का विश्वास लगता है और जीता जागता इतिहास लगता है। और मैं आपसे एक ही दरख्वास्त कर रहा हूं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तीन मोदी भाग गए, चौथा बोल रहा झूठ। इस बार पार्टियों की हार जीत नहीं होनी, मैं स्टेज से कह रहा हूं, तो यहां जो बंदा बैठा है आगे और पीछे मेरी पगड़ी के समान है, उन्हें इल्तजा कर रहा हूं कि इस बार पार्टियों की हार या जीत नहीं होगी, इस बार हिंदुस्तान हारेगा या जीतेगा। इसलिए वोट हिंदुस्तान की तरफ खड़े होकर डालना पड़ेगा। इसने तो लॉलीपॉप दिए हैं, वो भी रैपर वाले। बहनों भाइयों पकड़ लो पूछ, बहनों भाइयों बरेली चला गया, बहनों भाइयों मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका यही घेरा था। काहे का प्रधानमंत्री है भाई, हैं बड़े बड़े बांस की तरह लंबे वायदे बीच में से खोखले, 90 लाख करोड़ वापस ले आऊंगा, किसानों की इनकम डबल कर दूंगा, लोकपाल बना दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरी कर दूंगा। मेरे ख्याल से 342 संकल्प किए नरेंद्र मोदी। तुम हिंदुत्व की बात करते हो, कभी रामायण पढ़ी है, उसमें आता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। मेरे गुरु गोविंद सिंह पातशाह को किसी ने पूछा था, गुरु साहब बंदा केड़ा चंगा ते जनानी केड़ी चंगी, पंजाबी समझते हो ना, समझते हो ना, कहता बंदा केड़ा चंगा ते जनानी केड़ी चंगी। कोई कहे जी कुंडियां मुछां खड़ खड़ कर दे चादरे, 24 इंच दी छाती 48 दिन मारे एक सोन, बंदा ही धरती में गाड़ दे गुरु साहब बंदा तो वही अच्छा होता है। कोई कहे जी औरत वो अच्छी जिसकी आंखें बिल्लौरी, नयन नस मुंह खुले का खुला रह गया भाई, के गुरु साहब ने कहा बात सुनो, बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का, और औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया हो। तो बताओ नरेंद्र भाई मोदी, कौन सा संकल्प तुमने 342 संकल्पों के मैनिफेस्टो में से पूरा किया है? कोई एक बता दो, कोई एक उपलब्धि बता दो, मैं वोट डालने को तैयार हूं।
वो पुराना गाना मुझे याद आ गया, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे में तेरे मारा गया बंदा ये सीधा साधा। ठोको बंदे सीधे साधे मार दिए और वादे करके चला गया है। अब भगोड़ा हो गया, अब भगोड़ा हो गया। नरेंद्र मोदी, मैंने फिल्म देखी थी हीरो नंबर वन, देखी आपने? बाकियों ने बीबी नंबर वन तो देखी है सबने घर में। मेरी मुझे खड़ी होती थी, इनसे भी कुछ लोग कुलदीप से भी खड़ी होती, जब से भाभी से शादी हुई है ठा है नीचे गई। बंदा कितना बब्बर शेर हो जाए, घर जाके म्याऊं म्याऊं ही करता है, करता है कि नहीं करता है? बीबी नंबर वन तो सबने देखी है, हीरो नंबर वन भी देखी है, कुली नंबर वन भी देखी है, अब मोदी की नंबर फिल्म आ रही है ना, उसका नाम मैंने रखा है फेंकू नंबर वन। फेंकू नंबर वन, झूठा नंबर वन, हर बात में झूठ है। मच्छर के कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में झुलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव बात है। ठोको ठोको ताली ठोको, बात सही करो। बहनों भाइयों, न खाऊंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। अबे पेट फट गया तेरा, इतना खाया है। और ठोक के तूने अंबानी को खिलाया 35,000 करोड़ रुपए एक डील में, 60,000 करोड़ के डिफेंस डील स्वीडन में, 65,000 का सिंगल इंजन फाइटर जेट्स राफाल, 35,000 करोड़ खिलाए अंबानी को। फिर दो और बोल रहा हूं मैं, इसराइल में जाके 67,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, पहला कॉन्ट्रैक्ट अंबानी की 7,500 की डूबी हुई कंपनी जिसका 10 रुपए का शेयर रिसोर्स ने 1100 में खरीदा। नरेंद्र मोदी, क्या ये तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है? आए थे 2014 में गंगा के लाल बन के और जाओगे 2019 में राफाल के तलाल बन के। तलाल हो तुम, मैं कहता हूं तलाल हो। यदि तुम में दम हो, यदि तुमने नेक माँ का दूध पिया है, यदि तुम किरदार वाले हो तो खंडन करो। आओ यहां आओ, तुम्हारे घर आता हूं, गली में मोहल्ले में आओ, बहस कर लो। यदि सिद्धू हार जाए तो राजनीति सदा के लिए छोड़ जाए। आओ मैदान, तुम्हारा जवाब ही नहीं आया मोदी, ताए ताए फिश हो गई है तुम्हारी। तुम कहते थे 10 रुपए का बिल लो बहनों भाइयों तो पक्का बिल लो। अरे राफाल के बिल की बात करते तो तुम बिल बिल आ जाते हो, क्या चक्कर है भाई, क्या चक्कर है? सबका साथ सबका विकास। अरे रोज अंबानी गाना गाता है, नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा कहां, कदर दान अंबानी अडानी जैसा रोज गाता है और तुम्हारे लिए गाता है। नरेंद्र भाई मोदी, मैं तुम्हें कहता हूं, छाती ठोक के कहता हूं, तुम चौकीदार बनने चले हो, कभी देखा है चौकीदार किसी किसान के घर के बाहर? कभी देखा है चौकीदार किसी मजदूर के घर के बाहर? कभी देखा है चौकीदार किसी गरीब के घर के बाहर? इस देश को बांट दिया तुमने, इस देश को खेरू खेरू कर दिया तुमने, सरदार पटेल के अखंड भारत को खंड खंड करने का प्रयास कर रहे हो तुम, हिंदुस्तान के संविधान की ठगियां उड़ा रहे हो तुम। मैं तुम्हें कहता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, न मंदिर की बात हो, न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, उनके सम्मान की बात हो, करते हो नहीं, भागते हो और भगाते हो। शाबाश, तू लगाएगा भाई के झंडे में डंडा, तेरा होश जोश जो है ना इसके होश के साथ मिलके लगाएगा तंबू बम्बो, बस पराठे खाने छोड़ दे। शाबाश, छा गया गुरु बगैर बादलों के, मुझे बात बुला दी। पहले चौकीदार कहा करता था दोस्तों, जागते रहो, सुनते थे ना, कभी कभी नींद खुलती थी नीचे, चौकीदार जो है वफादार, जागते रहो छापते रहो। अब ऐसे चौकीदार आ गए
जो 17 लाख करोड़ हिंदुस्तान के बैंकों के अडानी के हाथ में देके कहता है भागते रहो, अरे भाई भागते रहो, ठोको ठोको भागते रहो, ये चौकीदारी है तेरी है। अंधों के बाजार में आइनों के खरीददार हैं, शहर के सब चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं, अरे हम भी चौकीदार हैं, ठोको गाली ठोको जरा, इसके पोतले खोलता हूं। 2 लाख करोड़ सरकारी के बैंक, सरकारी बैंकों से चोरी हुई थी, यहां प्रेस के लोग बैठे हैं। 2 लाख करोड़ मनमोहन सिंह जी के टाइम में 87,000 करोड़ अमीर आदमियों के माफ किए थे इंसेंटिव्स के रूप में, और 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफी हुआ था यूपीए की सरकार में। नरेंद्र मोदी ऐसा चौकीदार है तू कि आज 24 लाख करोड़ सरकारी बैंकों का एनपीए हो गया, जिसमें से 4 लाख करोड़ सीधे इन अंबानियों और अडानियों के तुमने माफ कर दिए, इनको तुमने इंसेंटिव के नाम पे माफ कर दिए। 5 साल किसान से कर्जा लेने का टाइम इनको 25-25 साल दे दिए। जिसने बैंकरप्सी शो की उसके 2-2 रुपए बढ़ा दिए यूनिट बिजली में। 25 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बैंकों का और किसका है? मैं कहता हूं कुलदीप भाई भोला का, वो आपका है। सवेरे चाय पीते हो तो चीनी पे टैक्स, चाय पत्ती पे टैक्स, बाथरूम जाते हो सीवरेज पे टैक्स, सड़क पे जाते हो रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स, अरे जीने पे टैक्स, मरने पे टैक्स। बच्चे का अपने का 20 पैसे दिया था बर्थ सर्टिफिकेट का, उसके बाद उसके का 20 रुपए दिया है। हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। ये लोगों के खून पसीने के पैसे हैं नरेंद्र मोदी, जो तुमने लुटा दिए अंबानी और अडानी के पास। किसान 2 लाख का कर्जा लेता है तो तुम उससे ब्लैंक चेक लेते हो, और ब्लैंक चेक लेके अगर वो एक भी पेमेंट डिफॉल्ट करता है 2,000 रुपए की तो तुम उसे जेल में ठुकवाते हो, उसकी मुनियादी करवाते हो, कोऑपरेटिव बैंक के बाहर उसकी फोटो लगवाते हो। क्या नाता है तुम्हारा इस अजानी के साथ? 1 लाख करोड़ रुपया इस देश का नहीं दिया अंबानी, 46,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। क्या नाता है तुम्हारा इनके साथ? क्या सुमड़ी में घुमड़ी है तुम्हारी इनके साथ? अरे तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। बात करे नबी झूठा है, झूठा है तो हर तरफ से। आम जनता के पेट खाली है योगा कराया है, यूं सवेरे देखा प्रधानमंत्री इधर उधर, पेट खाली है योगा कराया जा रहा है, अरे जेब खाली है खाता खुलाया जा रहा है। वाह रे मोदी, पेट खाली है योगा कराया जा रहा है, जेब खाली है खाता खुलवाया जा रहा है, खाने को खाना नहीं है शौचालय बनाया जा रहा है। को ताली, वाह 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 मोदी वाह, मैं तो हैरान ही हो गया। कमाल, अफरीन, सब कंपनियां विदेशी है, मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है। नौकरी की बात करते हो तो 2 करोड़ नौकरी बोला था पर साल, 10 करोड़ होनी चाहिए थी 5 सालों में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फिकर देती है 8 लाख नौकरी, नरेंद्र मोदी खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। 10 करोड़ कह के 8 लाख नौकरी दी इनको, बड़े बड़े ठेके दिए इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाई, चाइना की GDP तुम्हारी 8.2, चाइना की 6.2, चाइना 65 मिलियन नौकरी दे रहा है, 65 मिलियन मतलब 6 करोड़ 50 लाख, और तुम 8 लाख 5 साल में 15,000 हर रोज जा रही है, वो 35,000 हर रोज नौकरी दे रहा है। अरे काहे का तू चौकीदार है? मच गई देश में हाहाकार है, GST और नोटबंदी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को। 15 लाख का रे मोदी अभी तक इंतजार है, काहे का तू चौकीदार? अंधी के नैनों को खुमार आया है, आज गंजियों को कंघी का प्यार आया। ठोको ताली, ठोको ठोको ठोको, वो झूठ बोल रहा हूं, बात सही कर रहा हूं, इसी तरफ से कोई वो तो नहीं है।
ना राम मिला ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। ठोको काका आ गया, इधर साइड में आ जा, इधर साइड में आ जा, तेरे ऊपर से यही खड़ा रही हो, ऐसा लग रहा भीम आ गया, भीम हाथी उठा लेगा, ठहरना भी ठहरा, देखी गुरु योगा की तरह मत करो, ओ ठहरे भाई ठहर जा, आयु थोड़ी बड़ी है, आयु थोड़ी बड़ी है पर उत्साह आज भी वही है, नदी थोड़ी सूखी है पर पानी का प्रवाह आज भी वही है, सुनो सुनो, वही दमखम वही चमचम मन ठाठ वही है, तलवार पुरानी है पर धार और काट आज भी वही है। ताली ठोको गुरु ताली, अरे छा गया काका, तू लगाएगा पक्का ढंडे में डंडा, तू बनाएगा भव्य हिसार, ठोको बस बस, अब ज्यादा मत ऊपर सीने निकल जाना, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा गुरु। नरेंद्र भाई मोदी को लगता है 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान था। हंस लो पताली ठोको, हाँ एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। भक्तों को लगता है कि भारत को खोद के निकाला है, खोद के। अरे नरेंद्र मोदी, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया था। जब तुम्हारी माँ तुम्हें पालने में सोजा लल्ला सोजा कर रही थी तो चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था। जब तुम चड्डी में थे तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई थी, व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई थी, भाखड़ा डैम बन गया था, इसरो बन गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया था। और जब तुम डंडियां खड़का रहे थे आरएसएस की शाखा में, टिकुं, 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 तब हिंदुस्तान तीन जंगे जीत गया था। ठोको ताली। और जब तुम स्कूल नहीं गए थे तो चाचा नेहरू ने आईआईएम और आईआईटी बना दिए थे। मोदी गया मकान बनाने, कह रहा निचली माला कितने की बनेगी, कह रहा 20,000, कह रहा ऊपर वाली कितने बनेगी, कह रहा 10,000, कह रहा ऊपर वाली को बना दो। अबे नीचे वाली के बगैर ऊपर वाला कैसे बनाएगा, हैं? झूठ बोले कौवा। जब गुजरात में दंगे हो रहे थे ना मोदी, जब गुजरात में मारकाट मची थी तो शीला दीक्षित ने दिल्ली में मेट्रो ट्रेन बना दी थी। ठोको ताली। अरे सुई से लेके अंतरिक्ष यान तक कांग्रेस ने बनाया है और तुमने क्या बनाया है, एक चौकीदार बनाया, वो भी चोर बनाया। फिर तुम कहते हो अब की बार मोदी सरकार, मैं कहता हूं जब भी कहे ना अब की बार कहना बस कर यार, मैं बोलता हूं अब की बार तुम कहना बस कर यार, अबे अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, हाँ क्योंकि बुरे दिन। अरे मुझे तो पता ही नहीं था चौकीदार का कुत्ता भी चोर के साथ मिल गया है। ठोको ताली। हाय हाय, अब की बार भव्य बने हिसार, क्या बात है यार। गुरु एक बात समझ लो, वो बाहर गया हुआ ड्यूटी कर रहा है, पर एक बात समझ लो, मैं आज अपने भगवान के दरबार में आया हूं। मोदी तो ट्रोल आर्मी से लड़ता है, लोकतंत्र का गुंडा तंत्र, डंडा तंत्र, ट्रोल तंत्र, भय तंत्र बना दिया, लेकिन मैं जनता के दरबार में हूं। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वक्त कहां आन पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। दूध को भट्टी पे रखो, दूध का उबलना निश्चित, और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, सरकारों का उलटना भी निश्चित। पेट्रोल पंप पे जाओ, प्रधानमंत्री का हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। ठोको जरा ताली, रख रहा है काली जुल्फे रंग सुनहरा, क्या बात है। पूछो
डीजल को डीरेगुलराइज करके 400% ड्यूटी डीजल के ऊपर लगाई, 400% ड्यूटी डीजल के ऊपर, 270% ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर, 37 रुपए पेट्रोल की प्राइस है और 47 रुपए पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है। गरीब का पैजामा 200 रुपए का और नारा 1200 रुपए का, ठोको ताली। वारे मोदी वाह, सरकारें कर लेती हैं भंवरे की तरह, जैसे भंवरा फूलों से रस लेता है, तुम खून चूसने वाली झूठ बन गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हाल है बेटियों का हरियाणा में? क्या हुआ हाईवे पे, क्या हाल था छत्तीसगढ़ में? 22,000 कन्याएं छत्तीसगढ़ से चोरी होके बंबई की मंडियों में बिकी। तुम्हारे राज में 15 साल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था बलात्कार में। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं है। जिस सभ्य समाज में औरत का सम्मान नहीं होता, उसका तबाह होना निश्चित है। मैं नरेंद्र मोदी तुम्हें चुनौती देता हूं और ठोक के चुनौती देता हूं कि तुम चौकीदार 0.00001% लोगों के हो। 50 लाख करोड़ रुपया कर्जा था मोदी, 64 साल में चढ़ा इस देश के ऊपर, तुम आए 5 साल में 32 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के पैदा होने वाले नवजात शिशु के ऊपर चढ़ा। मैं तुम्हें कहता हूं आओ बहस करो कि पहले 7,000 रुपया साल कर्जा चढ़ता था, आज 7 लाख करोड़ रुपया प्रति साल कर्जा चढ़ता है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी डुबो दी तुमने। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 7,000 करोड़ के फायदे में थी, आज घाटे में। BHEL भेल 8,000 करोड़ के फायदे में थी, आज डूब गई 8,000 करोड़ के घाटे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2,092 करोड़ के फायदे में थी, 4,000 करोड़ के घाटे में। और 15,000 करोड़ के घाटे में पोस्टल सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज। बात करते हैं तुम राष्ट्रवाद की, और अंबानी मुकेश अंबानी का 3 महीने का फायदा 10,000 करोड़। अडानी 1 लाख करोड़ का देनदार है, 124% संपत्ति बढ़ गई। हिंदुस्तान 2200 करोड़ रुपया एक दिन में बैंकों का दे रहा है, और हिंदुस्तान का 0.001 अमीर एक दिन में उतने ही 2200 करोड़ कमा रहा है। वाह, गन्ने चूसने को बनरिया और डंडे खाने को रीछ, ठोको ताली। तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये इंसाफ है तुम्हारा नरेंद्र मोदी, ये कर रहे हो तुम। वो एक जाट के बैलगाड़ी के नीचे, ये भी कहानी सुनाता है मेरा भाई, मैं भी सुनाता हूं। एक जाट की बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आ गया भाई। उन दिनों में हम गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, हाँ? आज हम काले अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए लड़ रहे हैं इस भारत देश को। तो जाट की बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आया, वकील करना पड़ गया। वकील ने कहा भैया ठोकेंगे बड़े, पुलिस में लेके जाएंगे। वो पटे के ऊपर लिखा होता है आने मिलो सजना, वो 60 सेकंड में 100 बार मारता है, ढाए 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 लाल कर देता है, नाम भी बंदा भूल जाता है। अब जाट की जेब में 5 रुपया, वकील बोला 100 रुपया लगेंगे, बचेगा तो जुगाड़ तो बताऊंगा। कह रहा ठीक है, जेब में 5 रुपए, कह रहा दिए 100 रुपए दिए। कह रहा जुगाड़ क्या है? वकील कह रहा 100 रुपया देगा? कह रहा हाँ दूंगा। कह जुगाड़ क्या है? कह रहा जुगाड़ ही है, तू पागल बन गया, तू भौरा जाना, बाल बाल बिखेर लेना, कुछ भी कर देना, कैसी मर्जी आवाज निकालना, मानना ना। कह रहा ठीक है, जज बैठा। कह रहा बोल भाई, तेरी बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आया। कह रहा पागल हो गया, ये क्या कर रहा है तू? जज के सामने क्या कर रहा है? कह रहा बता, इकबाल ने जुर्म करता। कह रहा बाहर निकालो, यहां खड़ा होने के काबिल नहीं, बाहर फेंको। बाहर फेंका तो वकील भागा भागा, कह रहा कैसा था जुगाड़ो है, गरी करा दी? कह रहा हूं अबे तेरा मेरे 100 रुपए का हूं। हंस लो, हंसो, तारीफ हो।
मोदी को पूछो 15 लाख साहब आपने कहा था 15 हो, अरे 2 करोड़ नौकरी देने को बोला था हो। अब जब बीजेपी वाले तुम्हारे पास आओगे तुम क्या करोगे? ठोको 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 गुरु ठोको ठोको ठोको। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और भारतीय जनता पार्टी का जो हेड है कि नहीं, वो उसका बेटा लड़की के साथ बदसलूकी करने के लिए जेल गया, गया है कि नहीं गया, गया है कि नहीं गया, गया। अरे बेटी मार डालोगे तो बहू कहां से लाओगे, और किसान मार डालोगे तो रोटी कहां से लाओगे? मोदी रोटी कहां से लाओगे? तुमने झूठ बोले, और दूसरी तरफ मेरा भाई है कहा 3 स्टेटों में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान का 10 दिन में कर्जा माफ होगा। अरे 10 दिन तो बहुत दूर, 2 घंटे में कर्जा माफ हुआ। शहर का कोई गरीब हो, कोई मजदूर हो, कोई किसान हो, जो 2 टाइम रोटी ना खाता हो, मैं नेक माँ का दूध पी के पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर से लेके आप सबको वचन लेके जाता हूँ, राहुल गांधी की तरफ से 72,000 रुपया हर साल उसके घर पहुंचेगा मेरे भाई। ये मैं दम से कहता हूँ तुम्हें, 200% 72,000 रुपया उसके घर पहुंचेगा। कौन कहता है कि वो परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में छुपा? जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें छुपी है, फूलों में खुशबू छुपी, गन्ने में गुड़ छुपा है, दूध में मक्खन छुपा है, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहेगुरु बन के तुम्हारे दिलों में छुपा है, तुम्हारे भीतर छुपा है भाई, तुम्हारे इसलिए तुम्हारे चरणों में सिर रखता है नवजोत सिंह सिद्धू। झुकते वो है जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है भाई। तुम्हारे चरणों में सर रख के मैं कहता हूं कि भव्य को अपना बना लो, सुख सुख का साझी बना लो। और सिद्धू एहसान परामोश नहीं है मोदी की तरह, किसी जगह मैं वचन देके जा रहा हूं, मेरा भाई जीते है ना सच्ची बात, भव्य जीता तो ये जीता है, मेरा भाई जीते है ना तो इसी जगह पे आके भंगड़ा डालूंगा मैं, लिख लो भंगड़ा डालूंगा। मेरी और आपकी यारी पक्की है, पंजाबी समझते हो, वो कहते ओ यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गुरूर होवे, मोदी को है ना, कहना वो यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गुरूर होवे, मां बाप नु बुरा कदे ना आखिए भावे लख उन्हां दा कसूर होवे, बुरे रास्ते कदे ना जाइए भावे मंजिल किन्नी भी दूर होवे, ओ बुल्ले शाह मोहब्बत उत्थे पाइए जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे, जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे। ये तू मेरा दुकान बंद कर दे, अरे वाह गुरु खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता तो देखा, सिद्धू को देख आप ही रंग बदल गए, अरे वाह नेल पे तेल मार गए। ये आपसे अपने गुरु का नहीं हो सका, वो हिंदुस्तान का कैसे हो सकता है? घरवाली का हो गया भैया कच्चे रूम उतर गया, मेरी तो वही रोज रोज शिकायतें करता है, रोज इलेक्शन कमीशन में खड़ा चिट्टू मेरे लिए ऐसे बोला करके हो गया, हर रोज शिकायत दे के आता है ऐसे थोड़ा ना है। अडवाणी जी थे वो, मैं बता रहा हूं आपको कि जिस दिन केशु भाई ने बगावत की थी 2002 में, वो बंदा गया था टांग लगा के बोला था कि अगर इसके साथ ऐसा सलूक करोगे बगावत करोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिर गोधरा के दंगे हुए, हुए दंगे गोधरा के, अडवाणी जी फिर गए, अटल जी ने कहा इस्तीफा दे, तो अडवाणी जी ने कहा पहले मेरा इस्तीफा होगा फिर ये इस्तीफा देगा, फिर बच गया झूठा मोदी। और आज अपने गुरु को दूध से मक्खी जैसे निकालते हैं वैसे निकाल के फेंका,
अडवाणी को हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए था तुझे, तो तू अडवाणी का नहीं हो सका तो नवजोत सिंह सिद्धू या हिंदुस्तान का किसी और का कैसे हो सकता है नरेंद्र मोदी। मेरी मां कहा करती थी, बेटा गुरुद्वारे जाना, कोई भी बड़ी खता हो जाए उसकी माफी मांग लेना, तुझे गुरु से माफी मिलेगी, लेकिन एहसान फरामोश बन के गुरुद्वारे मत जाना, क्योंकि एहसान फरामोश आदमी का बोझ धरती उठाती नहीं है। तुम हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे को सवाल करते हो मोदी, तुम्हारे साथ जो है वही ठीक है, जो तो सत्ता पक्ष को सवाल करे वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। सुन नरेंद्र मोदी, सिद्धू कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा है, सरदार भगवंत सिंह सिद्धू का बेटा है, कीर्ति गदर पार्टी में जिसने अपनी जिंदगी इस देश को लगा दी, लाल किला अखबार निकाला। मेरे दादा ने उनसे पूछा था, राजाओं में से हम, ये राजाओं का नमक खाना है तो अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारी आवाज नहीं उठेगी। मेरा पिता लाहौर चला गया था, तीन तीन महीने साबुन नहीं देखा, स्कॉलरशिप पे पढ़ता था, जिस क्लास में पढ़ता था पढ़ाने के उन्हीं से पैसे लेता था। रात को तेजा सिंह स्वतंत्र साहब स्वतंत्रता सेनानी कीर्ति गदर पार्टी जिसमें भगत सिंह भी था उसमें शामिल होकर लाल किला अखबार निकालता था मेरा बेटा लाहौर में। सवेरे 4:30 बजे पकड़ा गया, अंग्रेजों ने सजाए मौत सुनाई, मजिस्ट्रेट ने कहा टू बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड, 14 बंदे गोली मारेंगे। जुड़ा बांध के ऊपर किल्ली के ऊपर टांग देते थे, 4-4 दिन सोने को नहीं मिलता था, जब नींद आती थी तो बाल खींचते थे और खींचते बालों में फिर खड़ा होना पड़ता था, नाखून यूं ग्लास से खींच के ऊपर नमक छिड़कते थे, मिर्च छिड़कते थे, गूंद के पोतड़े मुंह पे डालते थे, बर्फ की सिल्लियों पे लटाते थे। नरेंद्र मोदी, उस भगवंत सिंह का बेटा हूं, जब सजाए मौत 3 दिन रह गए थे, रानी का जन्मदिन हुआ और रानी के जन्मदिन पे 7 कैदी छोड़े गए पर्ची डाल के किंग्स एवेन्यू सिटी में, और उनमें सरदार भगवंत सिंह सिद्धू भी एक था। पंजाब आए, सुनो, पंजाब आए, एमएलए बने कांग्रेस की तरफ से, एमएलसी बने, किराए के मकान में रहते थे, तो उनका दोस्त था नंद कुमार, वो कहने लगा भगवान सिंह तेरी देशभक्ति पै गए, 2 कारखाने लगा और 4 पैसे कमा, ये कौन सी बातों में पड़ गया? तो मेरे बाप ने उसे लिख के भेजा था कि बात तो तेरी ठीक है मित्र, मैं पैसे बहुत कमा लेता पर पेड़ों से ही छाया होती, समाज सबको गिरा देता, कितने ही धनी हो चले गए कौन किसी का नाम लेता, कैसे बनती मेरे गुरु की वाणी अगर बाबा नानक हट्टी लगा लेता, अगर बाबा नानक हट्टी लगा लेता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कोई गोधरा कराने वाला सरदार भगवान सिंह सिद्धू के बेटे को सवाल नहीं कर सकता देशभक्ति का। तुमसे बड़ा देशद्रोही नवजोत सिंह सिद्धू ने आज तक देखा नहीं। सरकारी बैंक मार दिए, सरकारी खजाने मार दिए, इस देश पे 32 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। तुम बात करते हो देश की, देश को आजादी दिलवाने वाली पार्टी है चाचा नेहरू की पार्टी है कांग्रेस, 70 साल राज करने वाली पार्टी है मौलाना आजाद की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है, इंकलाब की पार्टी है। अतीत खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते, मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है, यूं ही पैदा गांधी जवाहरलाल नेहरू मौलाना आजाद और भगत सिंह जैसे लोग जनाब नहीं होते, चरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते, इनकलाब नहीं होते। भगोड़ा है तू, झूठा है तू, मैं कहता हूं मुद्दों से भाग रहा है तू। अब नौकरियों की बात नहीं करता दामोदर दास, अब 15 लाख की बात नहीं करता, ब्लैक मनी लानी थी 90 लाख करोड़, एक आदमी का नाम नहीं दिया, 6,000 आदमियों की लिस्ट है, 17 राजन लिस्ट में है जो भगोड़े हो गए, 24 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाया, उनका नाम नहीं दिया। जेठ बलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, सीबीआई ने बोला 30 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंकों में जमा है,
और जेठमलानी साहब ने एफिडेविट दिया कि जर्मनी बताना चाहती है 1100 लोगों का नाम जिन्होंने देश के साथ द्रोह किया और वो पैसे बाहर लेके गए हैं। नरेंद्र मोदी तुमने एक का नाम नहीं और एक पैसा तुमने वापस नहीं लाया। गरीब के 500 रुपए तो जाट बेचारा 5000 रुपए का कर्जा लेके टमाटर बेचने गया, तुमने उसके पैसे बैंकों में जमा करवा लिए। गृहिणी 10000 रुपए जोड़ती थी घरवाले से छिपके, उसके नोटबंदी में पैसे जमा करवा लिए। तुमने 500 जो मजदूरी करते थे उनके पैसे बैंकों में जमा करा दिए। कतार में कोई अंबानी अडानी खड़ा देखा? बताओ कोई मरा अमीर, कोई अंबानी या अडानी मरा देखा? देखा नहीं। जमा कौन करवाने गया? गरीब, मजदूर, किसान, लेबरर हैं, वो सब लाइन में खड़े। 4 दिन की जिंदगानी, 2 दिन कतार में, 2 दिन इंतजार में। वो पैसे जमा करवाए तुमने बैंकों में और वो पैसे जमा करा के ऐसी उल्टी गंगा बहाई, नोटबंदी की गंगा। आज बताने वाला हूं, प्रेस के भाई बैठे हैं बाहर, विदेशों में 1000 पाउंड बंद हुए, 5000 पाउंड बंद हुए, 50 पाउंड चालू, $1000 बंद, $5000 बंद, $100 चालू। वाह रे वाह नरेंद्र मोदी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तुमने 500 का नोट बंद किया, 1000 का नोट बंद किया और 2000 का गुलाबी नोट कर दिया। वाह रे वाह वाह, उल्टी गंगा वाह। छोटे नोट बंद और बड़ा नोट चालू। अमित शाह साहब, मैं आपको ललकारता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप जिस बैंक के चेयरमैन हैं, अहमदाबाद बैंक के, उसमें 750 करोड़ रुपए गुलाबी करके जमा हुए कि नहीं हुए? बताओ। जयेश तुम्हारा मंत्री नंबर 2 जो राजकोट के बैंक का चेयरमैन है, उसमें 700 करोड़ रुपया जमा हुआ कि नहीं हुआ 4 दिन में? बताओ। मुंडे साहब की बेटी पंकजा मुंडे, 800 करोड़ रुपया उसके बैंक में जमा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। और अगर कुलदीप भाई किसी ने 700 करोड़ इन बैंकों में जमा करवाने थे तो 1 घंटे में 12000 लोगों को 2.5 लाख रुपया जमा कराना था। और अगर 12 बंदे कोऑपरेटिव बैंक में 2.5 लाख जमा करा जाए, मैं तेरी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा अमित शाह। चोरी की तुम लोगों ने, गरीब के पैसे चुरा के तुमने बैंकों में डाले, अपनी पार्टी को तुमने अमीर किया। गरीब आज भी गरीब होता जा रहा है और अमीर आज भी अमीर होता जा रहा है। नोटबंदी GST आज मुद्दे नहीं रहे। सुना है सरहदों पे तनाव है, जरा पता तो करो क्या चुनाव है, क्या चुनाव है? ठोको ताली ठोको, क्या चुनाव है? फौज के ऊपर राजनीति कर रहे हो, लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हो। 1700 दंगे, 1700 आतंकी हमले, हाईएस्ट एवर, 70 जवान, पहले 8 कांग्रेस की सरकार में, अब 70 हाईएस्ट। पहले जब आतंकी हमला होता था बंबई में हुआ तो इस्तीफे मांगे जाते थे, शिवराज पाटिल ने दिया इस्तीफा, शिवराज पाटिल ने दिया इस्तीफा, विलासराव देशमुख ने दिया इस्तीफा। अब जब आतंकी हमला होता है तो तुम वोट मांगते हो, वोट मुद्दों से भागते हो। मोदी जी की सेना, योगी कहता है मोदी जी की सेना, अबे काहे का योगी, सत्ता का लोभी, खोदेंगे तेरी गोभी। तो ताली ठोको, मोदी जी की सेना किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान की सेना है, हिंदुस्तान की रहेगी। और सुनो मोदी, ये सेना हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ने के लिए, तुम्हारे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। मैं कहता था CBI मार डाली, रबड़ का गुड्डा बना दी, रॉ के भेद खोल डाले, जुडिशरी सड़कों के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एक फौज बची थी, आज फौज की पनाह में जाके इलेक्शन लड़ रहे हो? अरे मुद्दों पे लड़ो नरेंद्र मोदी, मुद्दों पे इलेक्शन लड़ो। भुखमरी 50% बढ़ गई, 50 करोड़ लोग इस देश में एक टाइम रोटी नहीं खा सकते। डेवलपिंग नेशन का टैग छीन लिया और बैकवर्ड कंट्री का टैग लगा दिया हिंदुस्तान के माथे पे।
शहीदों के नाम पे वोट देनी है तुमने। मैं उसी चिता की अग्नि हूँ जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूँ जो जलती है बंबई में। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आग लगी है देश में, और लगे आग इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो, तुम पहले आग लगा। आखिर में इतना ही कहूंगा कि वोट छोटी नहीं है तुम्हारी। एक छोटी सी चिड़िया जंगल से तालाब से पानी लाती और जंगल की आग बुझाती। एक कौवा बैठा था, कहने लगा चिड़िया रानी समझता था तुझे बड़ी सयानी, तू तो निकली बिल्कुल नयानी। अरे तेरी चोंच में आता है इतना सा पानी कि आग बुझने वाली है। तो कौवे को चिड़िया ने जवाब दिया, उसने कहा कौवे राजा, जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा। बुझा सकते हो इस आग को, इस जात पात की आग को, अधर्म की इस आग को, झूठ की इस आग को जिता सकते हो और वोट डाल सकते हो भगत सिंह के नाम पे। ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर कली इस बात की खून पी के ही खिली है। बिछ गए वो नींव में, दीवारों के नीचे गड़े हैं ये महल, अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं भैया, शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं। मैं फिर से दोनों हाथ आपके सामने ये कह के कि मेरे भाई के बेटे को जिता, वो मेरा भी बेटे जैसा ही है, उन्हें जिता देना। फिर देखना अगर ये एमपी बनेगा तो प्रधानमंत्री ऊपर बनेगा, नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अरे कांग्रेस कभी हार ही नहीं सकती, कांग्रेस तो खुद को हराती है। इकट्ठे हो जाओ, संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। छोटे छोटे तिनके इकट्ठे हो जाए छप्पर बन के मूसलाधार बारिश रोक लेते हैं। अरे चिड़िया इकट्ठी हो जाए शेर की खाल खींच लेती है। 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दो भेड़े शेर हो जाती, और 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो शेर ढेर हो जाते हैं। अरे कुलदीप बिश्नोई को शेरों के आगे बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर है ये। एक और बता रहा हूं बात, एक और बता रहा हूं मैं तुम्हें बात, कि यदि भव्य जीता और ऊपर प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, ये 90% चांस है, तो बंदा सीधा जाता है ऑफिस में। ये समझ लेना हिसार 5 साल में 50 साल की तरक्की करेगा, बिना खड़काए सीधा यूं शियों अंदर ठोको ठोको सीधा जाता है। और इसके पास भी लाल बत्ती वाली कार आने वाली, ठोको या ठोको ठोको जाता है। ये कोई कम थोड़ा ना है, मेरा भाई है, बब्बर शेर है, किरदार वाला आदमी है, इसीलिए इसने विश्वास बरकरार रखा है। और मेरी भाभी भी बैठी है, ये भी लड़ती है पूरी शेरनी की तरह, इसके लिए भी ठोको ताली। देखो ये कभी जिंदगी में किसी से नहीं डरा, ये भी मेरी तरह है, बस भाभी से ही करता है। ठोको ठोको यार, आगे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है भैया, सिट्टी पिट्टी गुम क्यों मान गया भैया, मान गया, मान गया। देखो खड़े होकर देखा तो दोनों हाथ खड़े कर लो गुरु, और गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। भगत सिंह क्या करता था, कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार को जगाना हो तो धमाका जरूरी है। ये हाथ थप्पड़ बन के गूंजेगा इनके गालों पे, और इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, यहां से जाएगी। ठोको ऊपर करो हाथ पर, बोले ठोको पर, बोले सोनिया, बोले सोनिया, सुना के जा रहा हूं पंजाबियों के लिए। लास्ट शेर सुना के फिर बात खत्म कर रहा हूं। जरा यार न देखे ऐबानू, ओ यार मुबारक हुंदा है, जिस प्यार च पोरा गर्ज नहीं ओ प्यार मुबारक हुंदा है, कि लेना उच्चे मेला तो की देना शिखर मनारा ने, जिस दर पे झोली भर जाए वो द्वार मुबारक हुंदा है, वो द्वार मुबारक है। भर दो झोलियां,
बोलिए भैया, लगा दो छक्के, बात खत्म, खत्म। हिसार टुडे, बदलते रहे समय के साथ। हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और पाएं हिसार की ताज़ातरीन खबरें।